हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राधे श्याम पांडे पंकज एक बार पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ लेकर के अपना नया वीडियो जिसका शीर्षक है फनी पहेलियाँ। पेशे खिदमत है पहला सवाल। एक बार एक हाथी और एक चींटी की लड़ाई हो गई। हाथी ने चींटी को दौड़ाया और चींटी वहाँ से भागी और जा करके एक मंदिर में छुप गई। हाथी उसके पीछे पीछे वहाँ आया। अब आपको बताना ये है कि हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में है। मंदिर के बाहर चींटी की चप्पल को देखकर, जी हाँ, चींटी ने मंदिर में जाने से पहले अपनी चप्पल बाहर ही उतार दी थी। उसी चप्पल को देख करके हाथी को मालूम हुआ कि चींटी मंदिर के अंदर है। ऐसी खिदमत है दूसरा सवाल। दो भाई हैं, दूसरे का नाम पिट्टू है, तो पहले भाई का नाम क्या होगा? जी हाँ, पहले भाई का नाम बताइए। पहले भाई का नाम होगा पिन वन, क्योंकि पहला भाई पिन वन तो दूसरा भाई पिन टू। पेशे खिदमत है तीसरा सवाल। एक बगीचे में एक आम का पेड़ है। उसके पास में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा हुआ है मैंगो। उस पेड़ के नीचे छह आदमी हैं और छह ही औरतें हैं और पेड़ पर केवल छह आम ही लगे हुए हैं। तो और प्रत्येक को एक एक आम लेना है, तो एक एक आम कैसे देंगे? चूंकि पेड़ के पास लगे बोर्ड पर लिखा मैंगो, इट मीन्स मैन प्लस गो, मैन गो अर्थात आदमी जाएं, तो आदमी वहां से चले जाएंगे। और इसके बाद वहां पर छह आम हैं और छह औरतें हैं, इस प्रकार प्रत्येक को एक एक आम मिल जाएगा। वैसे खिदमत है चौथा सवाल। एक हाथी और एक चींटी एक बाइक पर बैठकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और हाथी मारा गया, जबकि चींटी को कुछ भी नहीं हुआ, चींटी बच गई, ऐसा क्यों? क्योंकि चींटी ने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए वो जीवित बच गई। पेशे खिदमत है पांचवी पहेली। एक औरत अपने सिर पर आम की टोकरी रखकर कहीं जा रही थी। रास्ते में उसे एक लड़का मिला। लड़के ने उससे कहा एक किलो आम दे दो, लेकिन जब औरत ने टोकरी नीचे उतारी तो उसमें आम नहीं थे। आम कहाँ चले गए? टोकरी तो आम की थी, लेकिन उसमें आम नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.